दोस्तों मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी सीजीएल से जो नई अपडेट निकल कर आ रही है और क्या सिनारियो बन रहा है ओवरऑल अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में और भी सभी जगहों पर, तो इन सभी की अपडेट हम देंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके पहले चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली और भी जो अपडेट्स हैं वो आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर लगातार जो एसएससी सीजीएल है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जो एग्जाम डेट है क्या वो पोस्टपोन की जाएगी। हालांकि एग्जाम जो है वो काफी लंबी है, अभी 29 मई से लेकर 7 जून 2021 में ये एग्जाम होने वाली है जो कि एक काफी लंबा टाइम है। पर यहाँ पर फिर भी एक जो सवाल उठकर आता है सामने वो ये आता है कि क्या तब तक कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। तो इसका जवाब थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, पर अगर स्टेट्स देखा जाए और एनालिसिस देखी जाए तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कोरोना कम से कम पिछली बार जब पीक पर जाना शुरू हुआ था तो 4 से 5 महीने तक कंटिन्यू जो था ऊपर की तरफ गया था, उसके बाद जो है डाउन होना शुरू हुआ था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 महीने में ही ऑलमोस्ट जो एग्जाम है वो होने वाली है। ऐसे सिनारियों में क्या है कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है, इसका पूरा डिपेंड होता है कि अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाता है, मध्य प्रदेश के अगर बॉर्डर सील किए जाते हैं जिसकी प्लानिंग की जोरों शोरों से चल रही है, अगर केसेस कंट्रोल नहीं होंगे तो बिल्कुल ऐसा किया जाएगा। और यहाँ पर अभी जो कलेक्टर महोदय है उन्होंने बोला कि हम 1-2 दिन और देख रहे हैं, 2-3 दिन और देख रहे हैं, अगर स्थिति नहीं संभलेगी तो फिर हमको न चाहते हुए भी जो है कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इशारा करीब करीब लॉकडाउन की तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर जो नाइट कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है और जो स्ट्रिक्टनेस है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बनते हैं क्योंकि यहाँ पर और भी जो एग्जाम्स है वो होने वाली है और उनकी भी जो पोस्टपोन होने की जो स्थिति है वो बनी हुई है। बाकी अगर जैसे ही कोई और नई अपडेट इससे मुझे मिलेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूं आपको दोस्त नायक, मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद।